आज अलविदा जुमा है और इस रमज़ान का आखिरी जुमा है ये, तो एक ख़ास पैगाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, इस बार की जो ईद है वो बहुत मुख्तलिफ ईद है। इस बार हमारा जो परिवार है हिंदुस्तान का, ये उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे देशवासी अपने जान गंवा चुके हैं कोरोना महामारी के चलते। बहुत सारे लोग बेघर सड़कों पर हैं, तो ऐसे में ईद का जश्न जो है, जब किसी परिवार के अंदर इंतकाल हो जाता है तो अक्सर ईद का जश्न नहीं होता, बल्कि बहुत ही सादगी से घर पर रहकर इबादत करके ईद मनाई जाती है। तो तमाम जिम्मेदार उलेमा और दानिश्वर जो हैं हमारे, उन लोगों ने ये अपील भी करी है और मैं भी उसी अपील को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे ये अपील करता हूँ, पुरखलोस गुजारिश करता हूँ कि इस बार की ईद हम घर पर रहकर इबादत करके मनाएं और उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके मनाएं जिन लोगों के सामने दो वक्त की रोटी, रोज़गार का एक संकट आके खड़ा हो गया है। तो आप सबसे इसी गुजारिश के साथ मैं आज हाज़िर हुआ और मैं प्रदेश की सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ज़रूरत पड़े तो ईद के दिनों में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाए, जिससे किसी भी तरीके की कोरोना को फैलने का मौका ना दें। तो कुछ लोगों की गलती की वजह से कई बार पूरा समाज बदनाम होता है, इस चीज़ को हमें बचाना है। हम इसमें सरकार से भी आह्वान कर रहे हैं और इस अपील के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, घर पर रहकर इबादत करके हम ईद मनाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उन सब गरीब भाइयों की जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक अपनी मदद पहुँचाएंगे। मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीका ईद मनाने का कोई नहीं हो सकता। और इसी उम्मीद के साथ आप सबको अलविदा जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।